प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को। मेरे प्रिय, संसार के अंदर में हमने जन्म लिया है, और जन्म लिया है तो हम बहुत सारे ओकेशन में जाते हैं, छुट्टियों में जाते हैं, त्योहारों को मनाते हैं, फेस्टिवल के अंदर में शामिल होते हैं। ऐसा ही ईसाइयों का एक बड़ा पर्व है क्रिसमस, यीशु मसीह का जन्म पर्व के रूप के अंदर में पूरे जगत के अंदर में मनाया जाता है। कई लोग नवंबर से चालू करते हैं इसकी तैयारियों को, कई लोग दिसंबर से चालू करते हैं, पर क्या वास्तव में एक ईसाई व्यक्ति को क्रिसमस मनाना चाहिए? यदि मनाना चाहिए तो क्यों मनाना चाहिए, यदि नहीं मनाना चाहिए तो क्यों नहीं मनाना चाहिए? आज ये छोटे से संदेश के द्वारा मैं आप सभी को चिताना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, खुदा का पाक कलाम कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म मरियम नामक कुमारी के द्वारा हुआ, और यीशु मसीह के जन्म होने के पीछे का रीजन क्या था कि मनुष्य जाति जो पाप में पड़ी हुई है वो पाप से बाहर निकले, पाप से तौबा करे, और प्रभु यीशु मसीह एक प्रेरणा बनकर के, एक आइडल बनकर के इस जगत के अंदर में आए, और उन्होंने दिखाया कि एक मनुष्य जीवन जी के भी पाप से बाहर का जीवन जिया जा सकता है और धार्मिकता में जिया जा सकता है। पर आज हम क्रिसमस जो मना रहे हैं वो एक ट्रेंड में चला गया है, सेंटा क्लॉस का ड्रेस पहना, चॉकलेट बांटना, मिठाई बांटना, फ्रेंड्स को बुला करके खान पान करना, चर्च को डेकोरेशन करना, नए नए वस्त्र को पहनना। क्या वास्तव में ये जो चीजें आज हम कर रहे हैं, क्या ये हमें उधार दे सकता है? सच बात तो ये है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा तक, और बपतिस्मा के बाद में प्रभु यीशु मसीह की चिन्ह और चमत्कार तक, और चिन्ह और चमत्कार से लेकर क्रूसीफाई तक, और क्रूसीफाई से लेकर के यीशु मसीह के स्वर्गारोहण तक प्रभु यीशु मसीह ने कोई सा भी पेड़ को नहीं सजाया, कहीं पे भी चॉकलेट नहीं बांटा, कहीं पे भी गिफ्ट नहीं दिया, वो कोई सा भी चर्च का डेकोरेशन नहीं किया। पर मनुष्य आज वही चीजों को कर रहा है जिस चीज को प्रभु यीशु मसीह ने किया ही नहीं। मेरे प्रियो, क्रिसमस का मतलब नया कपड़ा नहीं, तन को नया बनाना है। क्रिसमस का मतलब मिठाई बांटना नहीं, क्रिसमस का मतलब होता है सुसमाचार को बांटना। क्रिसमस का मतलब होता है चर्च को सजाना नहीं, क्रिसमस का मतलब होता है हमारे मन की गंदगी को हटाना और हृदय को सजाना। आज क्रिसमस आप जो बनाना चाह रहे हो, आपका क्रिसमस का शुरुआत आप करें अपने पापों का क्षमा मांग कर, तौबा करके, प्रार्थना करके, और आप क्रिसमस मनाए अपने हृदय को सजा करके। और जब आप ऐसा करेंगे, निश्चय आपका प्रभु आपके हृदय में जन्म लेगा। खुदा का कलाम कहता है तेरा देह परमेश्वर का मंदिर है और खुदावन बाप उसके अंदर में वास करता है। और बहुत सारे लोग का तर्क है क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। यदि मेरा व्यक्तिगत आप पक्ष ये पूछेंगे कि क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं, मैं बोलता हूँ यस, क्रिसमस हमें मनाना चाहिए। यीशु मसीह के जन्म को हमको जगत के कोने कोने के लोगों तक, जिस तक आप पहुंच सकते हो उसे बताना चाहिए, और वह जन्म के पर्व के साथ आपको यीशु मसीह के उद्धार को बताना चाहिए। मिठाइयां तो आप रोज खाते हैं, केक तो आप रोज काटते हैं, आपके कितने हजारों ऐसे दोस्त होंगे, सैकड़ों दोस्त होंगे जिनके बर्थडे में आप रोज केक काट रहे हो। इस बार केक नहीं काटेंगे, इस बार शैतान के गला को काटेंगे और अपने आप को पवित्रता में लेके जाएंगे, और ये त्योहार के अंदर में हम हर एक लोगों को मसीह के विषय में बताएंगे। आमीन।